गाइस, वेलकम बैक टू सीएमए जंक्शन। ये हमारी वीडियो सीरीज फॉर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का 9th लेक्चर है, जिसमें हम अपना चैप्टर बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने इस चैप्टर से रिलेटेड इलस्ट्रेशन देखना स्टार्ट किया था। इलस्ट्रेशन नंबर 1, 2 एंड 3 हमने कम्प्लीट किया। अब हम इलस्ट्रेशन नंबर 4, दैट इज सेलिंग ओवरहेड बजट से स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ इन्फॉर्मेशन। आपको प्रिपेयर करना है सेलिंग ओवरहेड बजट्स। आपको कुछ एस्टिमेट्स दिए हुए हैं। एडवर्टाइजमेंट में इतने खर्चे होंगे, सैलरी सेल्स डिपार्टमेंट में एक्सपेंसेस सेल्स डिपार्टमेंट में ही फिक्स्ड हैं। सेल्समैन को रेम्यूनरेशन देना है, सेल्समैन को डियरनेस अलाउंस रहेगा, कमीशन एट द रेट 1% ऑन सेल्स अफेक्टेड। जितनी भी वो सेल्स करेगा उसका 1% उसको दिया जाएगा। कैरेज आउटवर्ड एट द रेट 5% ऑन सेल रहेगा। एजेंट का कमीशन 7.5% ऑन सेल्स है। सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड एस्टिमेट किया गया है। फर्स्ट केस में 80,000 रहेगा, इंक्लूडिंग एजेंट्स सेल्स 8,000, 90,000 रहेगा इंक्लूडिंग एजेंट सेल्स 10,000, एंड 1,00,000 रहेगा इंक्लूडिंग एजेंट सेल्स 10,500। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको सेल्स दिया हुआ है तीनों केसेस का, है ना। तीन केसेस है हमारे पास, तीनों केसेस की सेल्स वैल्यू हम लिख लेते हैं। सेल्स यूनिट्स सॉरी वैल्यूज 80,000, 90,000 एंड 1,00,000, ये सब हमारे रुपीज में दिए हुए हैं। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आता है आपके पास क्या क्या खर्चे हैं रिलेटेड टू दिस। अब यहाँ सेल्स से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस हैं उनको हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज फिक्स्ड एंड वेरिएबल। तो उसी हिसाब से हम उनको कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट आता है हमारे पास फिक्स्ड ओवरहेड। क्या क्या ओवरहेड है हमारे जो कि फिक्स्ड है रिलेटेड टू सेल्स। अगर आप चेक करें तो हमारे पास कौन से अमाउंट फिक्स्ड अमाउंट दिए हुए हैं, दैट इज एडवर्टाइजमेंट का अमाउंट हमको फिक्स्ड है कि 1,000 खर्च होगा। सैलरी जो कि सेल्स डिपार्टमेंट की है वो फिक्स्ड है। एक्सपेंसेस जो कि सेल्स डिपार्टमेंट के वो फिक्स्ड है। और सेल्समैन का रेम्यूनरेशन फिक्स है। ये सारे अमाउंट्स ऐसे हैं जो कि हमको फिक्स्ड अमाउंट पूरा दिया हुआ है, तो उनको आप फिक्स्ड ओवरहेड्स ट्रीट कर सकते हैं। सबसे पहले आता है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट 1,000 है तो हर जगह वो 1,000 ही रहने वाला है, ठीक है। ये भी रुपीज में अमाउंट्स हम शो कर रहे हैं। नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट के बाद दिया हुआ है सैलरी टू सेल्स डिपार्टमेंट। सेल्स डिपार्टमेंट का सैलरी भी 1,000 है। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं हमारे पास एक्सपेंसेस सेल्स डिपार्टमेंट के 750 फिक्स्ड है जितनी भी आपकी सेल हो। नेक्स्ट इसके बाद सेल्समैन का रेम्यूनरेशन आता है। रेम्यूनरेशन सेल्समैन का सेम है, बाकी कमीशन में उसके वेरिएबल है, ठीक है। तो 3,000 रुपीज रेम्यूनरेशन टोटल अगर आप करें तो टोटल अमाउंट हर जगह ये सेम आएगा, दैट इज 3,000 + 1, 4 and 5, 5,750 यहाँ पे शो होगा। नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारे पास वेरिएबल ओवरहेड्स में हमारे पास क्या क्या है। सबसे पहले सेल्समैन का कमीशन हमको दिया हुआ है जो कि 1% रहेगा जितना भी सेल्स वो अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। कमीशन एट द रेट 1% किसके ऊपर, क्या टोटल सेल्स के ऊपर होगा? तो ऑफ कोर्स ही बात है टोटल सेल्स के ऊपर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि पूरी सेल एजेंट ने नहीं की है, ठीक है, सेल्समैन ने नहीं की है। हम अभी एजेंट को नहीं सेल्समैन को कमीशन दे रहे हैं। सेल्समैन ने पूरी सेल्स नहीं की है पर एजेंट ने कुछ की है उसमें से, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल सेल्स में से एजेंट का सेल्स को हटा दीजिए, जो आएगा दैट इज 72,000, ये सेल्स सेल्समैन की है। बाकी बची हुई सेल्स किसकी है, एजेंट की, ठीक है। तो ये जो सेल्स है सेल्समैन की उसका आपको 1% लेना है, दैट इज इक्वल टू 72,000 का 1% लेंगे तो 720। नेक्स्ट केस में अगर आप देखें तो यहाँ 90,000 टोटल सेल्स है जिसमें से 10,000 सेल्स किसकी है, एजेंट की। तो बस्ती कितनी है हमारे पास 80,000, ये सेल्समैन की है। 80,000 का आप लेंगे 1%, दैट इज इक्वल टू 800। नेक्स्ट केस में 1,00,000 है हमारी सेल्स और 1,00,000 का आपका 10,500 एजेंट का है, दैट इज आपके पास बचता 89,500, उसका 1%, दैट इज इक्वल टू 895 रुपीज। नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारे पास कैरेज आउटपुट दिया हुआ है, ये रहेगा 5% ऑन सेल्स।
अब सेल्स का 5% बोला है तो सेल्स में आप टोटल सेल्स लेंगे, 80,000 का 5% दैट इज इक्वल टू 4,000, 90,000 का 5% 4,500 एंड 1,00,000 का 5% दैट इज इक्वल टू 5,000। नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारे पास एजेंट का कमीशन। तो एजेंट का कमीशन आपको बोला गया है 7.5% ऑन सेल्स। 7.5% ऑन सेल्स, कौन सी सेल्स पे 7.5 लिया जाएगा? तो जो सेल्स एजेंट ने की है उस पे। तो 8,000 फर्स्ट केस में 8,000 उसने सेल्स किया है, तो 8,000 का 7.5% इज इक्वल टू 600। नेक्स्ट 10,000 का 7.5% इज 750 एंड 10,500 का 7.5% इज 788। अब इनको टोटल कर लीजिए तो आपका वेरिएबल का आएगा 5,320, 6,050 एंड लास्टली आपका ये आएगा 6,683। अब इन दोनों को टोटल कर लीजिए तो वो आपका सेलिंग ओवरहेड का टोटल कॉस्ट बन जाएगा। ठीक है, सेलिंग ओवरहेड का इन दोनों को ऐड करना है बस आपको, जो लास्ट के दोनों के अमाउंट आए। तो इसके साथ हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कैश बजट आपको प्रिपेयर करना है। कैश बजट से रिलेटेड दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको, इलस्ट्रेशन नंबर 6 और 5। हम इलस्ट्रेशन नंबर 6 देख रहे हैं। आपको कैश बजट प्रिपेयर करना है 3 महीने के लिए 30 जून 2016 तक फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो। जो आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई उनको आपको यूटिलाइज करना है। आपको क्या बोला गया, 3 महीने का प्रिपेयर करना है जो कि एंड कौन से होगा, जून में एंड होगा। मतलब आपको अप्रैल में जून का प्रिपेयर करने के लिए बोल रहा है, लेकिन इन्फॉर्मेशन अगर आप देखें तो फरवरी और मार्च की भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, ये क्यों अवेलेबल है आपको आगे पता चलेगा। तो फरवरी मार्च अप्रैल मई जून का सेल्स मटेरियल वेजेस और ओवरहेड क्या है वो आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट इतने उनके खर्चे हुए हैं। ठीक है, क्रेडिट टर्म्स क्या है, तो सब आप सेल्स करेंगे मतलब जब आप सामान बेच रहे हैं, इन दैट केस आपका 10% सेल्स का कैश में होगा, 50% क्रेडिट सेल्स होगा वो कलेक्ट किया जाएगा नेक्स्ट मंथ, और जो बैलेंस बचा रहेगा वो अगले मंथ मतलब नेक्स्ट के नेक्स्ट मंथ कलेक्ट किया जाएगा। हमको सेल्स दिया हुआ है, देखिए इसमें से 10% दैट इज 1,400 जो है वो ट्रीट किया जाएगा एज, ये मान लिया जाएगा कि हमारा जो सेल्स है कैश में हुआ है। बचा हुआ दैट इज 90% हमारा क्रेडिट में होगा। इस 90% में से जो आपका 50% है दैट इज 7,000 उसका सेल्स आपका कब हो जाएगा, इस 90% का 50%। ठीक है, इस 90% का 50% दैट इज इक्वल टू 6,300। टोटल सेल्स अगर आप देखें तो 14,000 दिया हुआ है, जिसमें से 10% हमने हटा दिया दैट इज इक्वल टू ये हो गया हमारा 12,600। इस 12,600 का ये क्रेडिट सेल्स है, इसका 50% दैट इज इक्वल टू 6,300 ये पे हो जाएगा। अगर फरवरी का है तो इसका पेमेंट मार्च में मिल जाएगा इस 6,300 का, बचे हुए 6,300 का पेमेंट कब मिलेगा, अप्रैल में। ऐसे करके आपको इसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये क्रेडिट टर्म्स को कैसे सॉल्व करेंगे वो पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद देखिए आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। क्रेडिटर्स जिनसे हमने सामान खरीदा दैट इज मटेरियल, उनको हम 2 महीने बाद पेमेंट करेंगे, मतलब फेब में खरीदा है तो अप्रैल में पेमेंट होगा, मार्च में खरीदा है तो मई में पेमेंट होगा। ओवर वेजेस दिया हुआ है 1/4 मंथ, ये क्या है इसको आप देखेंगे हम आगे, और ओवरहेड बोला है 1/2 मंथ। नेक्स्ट इसके बाद है कैश एंड बैंक बैलेंसेस 1 अप्रैल 2016 का आपको दिया हुआ है 6,000। अदर रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपको दिया हुआ है कि प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल की जाएगी फरवरी 2016 को और इसका कॉस्ट रहेगा 96,000। मंथली इंस्टॉलमेंट आप 2,000 पे करेंगे अप्रैल से। नेक्स्ट इसके बाद आता है डिविडेंड, जो कि 5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल्स को हमको देना है 2,00,000 के ऊपर, जो कि आपको 1 जून को देना है। नेक्स्ट एडवांस आपको रिसीव होगा व्हीकल के सेल से 9,000 रुपीज जून में। नेक्स्ट डिविडेंड इन्वेस्टमेंट्स में आपको मिलेगा 1,000, आपने एक्सपेक्ट किया कि वो उस टाइम पे कब मिलेगा, जून में मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब इससे रिलेटेड हम इन्फॉर्मेशन करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो कि डेटर्स का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसको पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसका कंप्यूटेशन हम अलग से देखने वाले हैं। आपको इन्फॉर्मेशन कब से दी हुई है, हमको फरवरी से दिया हुआ है, फरवरी मार्च अप्रैल मई एंड जून, इनका टोटल सेल्स कितना है। तो फरवरी का हमारे पास 14,000 है, मार्च का 15,000, 16,000, 17,000 एंड 18,000,
ये हमारा टोटल सेल्स है। अब इसमें से क्रेडिट सेल्स कितना है ये हमको फाइंड आउट करना है, तो क्रेडिट सेल्स के लिए हमको कैश सेल्स को हटाना पड़ेगा। फर्स्ट केस में 14,000 का 10% हमारा कैश सेल्स रहेगा सारे केसेस में, तो इसमें से 10% रहता है, दैट इज 14,000 माइनस 1,400, दैट इज इक्वल टू 12,600। नेक्स्ट केस में 15,000 माइनस 1,500 इज इक्वल टू 13,500, 16,000 माइनस 1,600 इज इक्वल टू 14,400, 17,000 माइनस 1,700 दैट इज इक्वल टू 15,300, एंड लास्टली जून का अगर आप देखें तो 18,000 माइनस 1,800 दैट इज इक्वल टू 16,200। ठीक है, अब क्या बोला गया है कि जो टोटल सेल्स का अमाउंट है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट, क्रेडिट सेल्स का अमाउंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ये जो अमाउंट्स है उनका हाफ का पेमेंट इसके अगले मंथ दैट इज फेब का है ये, तो फेब के अगले मंथ दैट इज मार्च में होगा और हाफ पेमेंट अप्रैल में होगा उसके अगले मंथ। ठीक है, तो 12,600 का हाफ अमाउंट निकाले तो ये 6,300 आएगा, ये दो जगह डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली मार्च का अगर आप देखें तो अप्रैल और मई में आएगा, 13,500 को हाफ में डिवाइड कर दीजिए तो 6,750 अप्रैल में आएगा, 6,750 मई में आएगा, 14,400 का हाफ दैट इज 7,200, तो मई में 7,200 आएगा क्योंकि अप्रैल का है, मई में 7,200 और जून में 7,200। मई का अमाउंट दिया हुआ है आपको 15,300, उसका हाफ अगर आप निकाले तो 7,650 आता है, तो मई का है इसलिए जून में आएगा और इसके बाद जुलाई में आएगा, तो जुलाई का हमको बनाने के लिए नहीं बोला गया है। तो अगर आप जून का देखें तो जून का कब आएगा, जुलाई और अगस्त में, तो यहाँ पे जून से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन शो करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप टोटल कर लीजिए कि सेल्स आपको कहाँ कहाँ कितनी कितनी शो करनी है, यहाँ 6,300 यहाँ पे निल है, 6,300 प्लस 6,750 दैट इज इक्वल टू 13,050, एंड नेक्स्ट ये 13,950 एंड 14,850। ठीक है, ये हो गया हमारा टोटल सेल्स जो कि आप शो करने वाले हैं। नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारा इन्फॉर्मेशन दैट इज इक्वल टू दैट इज गिवन फॉर क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का पेमेंट बोला है मटेरियल का 2 महीने बाद होगा, मतलब हमने फेब्रवरी में खरीदा है तो अप्रैल में पेमेंट होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम कैश बजट प्रिपेयर करना। कैश बजट में आपको ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है सबसे पहले 1 अप्रैल का, ओपनिंग बैलेंस इज 6,000 रुपीज 1 अप्रैल का हमको ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल। अब कैश में हमको क्या हो सकता है, या तो रिसीट्स होंगे या तो एक्सपेंसेस होंगे, हमने बैलेंस तो ले लिया, अब इसमें रिसीट्स को आप ऐड कर दीजिए, जो भी आपको पेमेंट मिलेगा उसको हम ऐड करेंगे। तो पेमेंट में हमको क्या क्या पेमेंट्स मिल रहा है, फर्स्ट हमने पढ़ा कि सेल्स का हमको एक कैश सेल्स हो रहा है और एक क्रेडिट सेल्स हो रहा है। कैश सेल्स का हमको पैसा उसी समय मिल जाएगा जब कैश सेल्स हुआ है। ठीक है, तो कैश सेल्स अगर आप अप्रैल का देखें तो अप्रैल का हमको अप्रैल में जून का प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो अप्रैल का हमको सेल्स दिया हुआ है 16,000, उसका 10% हमारा कैश सेल्स है, दैट इज इक्वल टू 1,600। मई में आपको 17,000 दिया हुआ है, 17,000 का 10% दैट इज 1,700, एंड 18,000 जून का है जिसका 10% दैट इज इक्वल टू 1,800। ठीक है, तो ये हो गया कैश सेल्स। कैश सेल्स के बाद आता है क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स कौन कौन से मंथ में कितना होगा ये हमने अलग से कैलकुलेट कर लिया है। अप्रैल में जून का आपको शो करना है 13,950, 13,950 एंड 14,850। ठीक है, इसके बाद आपका और पेमेंट आपको मिलने का क्या है, बाद में इसके दिया हुआ आपको क्रेडिटर्स जो कि हमको पेमेंट करना पड़ेगा, वेजेस वो भी आपको पे करने पड़ेंगे और ओवरहेड्स का भी पैसा आप ही को देना है। ठीक है, मतलब इसके बाद यहाँ पे आपके बी पॉइंट में कोई भी आपका पेमेंट करने मीन्स आपको रिसीव होने का कुछ भी नहीं है। सी पॉइंट में आपको ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। अब डी में अगर आप देखें तो डी में प्लांट एंड मशीनरी हम इंस्टॉल कर रहे हैं जिसका पेमेंट आपको करना है 2,000 रुपीज़, मतलब ये भी पेमेंट से रिलेटेड है, हमारा रिसीट से रिलेटेड नहीं है। अब रिसीट से रिलेटेड अगर आप देखें तो आपको डिविडेंड मिल रहा है, आपको डिविडेंड पे करना है, सॉरी डिविडेंड आपको यहाँ पे भी पे करना है, तो ये भी पेमेंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखें तो इसके बाद हमको पेमेंट रिसीट का है, दैट इज एडवांस हमको मिल रहा है फॉर सेल ऑफ व्हीकल्स 9,000 हमको एडवांस मिल रहा है जून में, एडवांस फॉर सेल ऑफ व्हीकल्स अमाउंट दिया हुआ है 9,000 और कब मिल रहा है, जून में मिल रहा है।
नेक्स्ट इसके बाद क्या दिया हुआ है, तो इसके बाद हमको डिविडेंड मिला है इन्वेस्टमेंट से, कितना मिला है 1000, जो कि हमको एक्सपेक्टेड है कि वो भी जून में मिलेगा, ठीक है। तो डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट दैट इज 1000। अब यहाँ पे आप टोटल कर लीजिए कि आपका कितना अमाउंट है, दैट इज टोटल ऑफ ए प्लस बी। यहाँ पे ए क्या है आपका ओपनिंग और बी क्या है क्लोजिंग, सॉरी रिसीट्स। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास ओपनिंग अवेलेबल नहीं है, पर ओपनिंग अवेलेबल होगा। कब अवेलेबल होगा? जब हमको अप्रैल का क्लोजिंग पता चलेगा, वही मई का ओपनिंग होगा। तो अभी हमको इसका ओपनिंग पता नहीं है, इसे इनको टोटल मत कीजिएगा, इनको आप टोटल कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ हमको जिसका आपको ओपनिंग बैलेंस पता है, हम उसी को टोटल करेंगे। दैट इज 6,000 + 61,600 + 13,050 = 20,650 रुपीज, ठीक है। ये हुआ हमारा टोटल ऑफ ए प्लस बी। अब इसके बाद हम लेंगे रिसीट्स, सॉरी पेमेंट्स। पेमेंट्स हमको किस किस चीज की करनी है, तो सबसे पहले पेमेंट में आता है हमारे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को क्या बोला गया है कि क्रेडिटर्स का जो पेमेंट है वो अगले 2 महीने में होगा। मतलब अगर आपको फेब्रवरी का दिया हुआ है, फेब्रवरी का हमको कितना दिया हुआ है मटेरियल, मटेरियल ही हमारे क्रेडिटर्स का पेमेंट में आएगा। 9600 हमको मटेरियल दिया हुआ है फेब्रवरी का, तो फेब्रवरी का पेमेंट कब होगा? मार्च छोड़ दीजिए, आपका पेमेंट होगा अप्रैल में। तो अब फेब्रवरी का हम शो करेंगे यहाँ पे अप्रैल में। सिमिलरली मार्च का कहाँ शो होगा? मई में। मार्च का है 9000 और मार्च के बाद आता है अप्रैल का। अप्रैल का कहाँ शो होगा? जून में, और अप्रैल का है 9200। इसके बाद जो मई और जून का दिया हुआ है वो अगर है, दैट इज जुलाई और अगस्त में शो होगा, इसलिए उसको हम यहाँ पे शो नहीं कर रहे, क्योंकि हमको अप्रैल मई जून का बस यहाँ पे प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट इसके बाद आता है वेजेस। वेजेस बोला है 1/4 मंथ। 1/4 मंथ क्या है? मतलब इस पर्टिकुलर मंथ में, जिस पर्टिकुलर मंथ से रिलेटेड वेजेस हैं, उस मंथ में आपको एक पार्ट उसका पे करना है। आपको 4 पार्ट्स करने हैं अपने वेजेस के, 4 इक्वल पार्ट्स, ठीक है, 4 इक्वल पार्ट्स करने हैं। और जो आपका 3 पार्ट होगा, 3/4 पार्ट, वो इस पर्टिकुलर मंथ का इसी मंथ में पे हो जाएगा, और आपको आगे फॉरवर्ड कर देना है आगे का, ठीक है। तो कैसे होगा उसको समझिए, हम वेजेस के लिए भी यहाँ पे प्रिपेयर कर लेते हैं। मैं वेजेस आपको यहाँ शो कर रही हूँ, ठीक है। हम वेजेस का डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं, फेब, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून में हमारे पास मंथ वाइज अवेलेबल है फेब, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। इनका वेजेस हमको पता है कि क्या है। वेजेस आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 3000, 3200, 3600 एंड 4000, ठीक है। अब बोला गया है कि जैसे कि समझ लीजिए फेब का कितना है 3000, तो 3000 का 3/4 दैट इज 2250 इस मंथ का इसी मंथ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन बचा कितना? 3000 का 1/4, है ना। ये जो 1/4 है वो आप कब पेमेंट करेंगे? दैट इज इक्वल टू 750, ये आप उसके अगले मंथ में पे करेंगे। सिमिलरली मार्च का होगा, मार्च का भी अमाउंट सेम है, इसलिए सेम चीज आएंगी, 2250 यहाँ आ जाएगा मार्च का, मार्च में, और जो 750 बचा वो अप्रैल में चला जाएगा। सिमिलरली अप्रैल का देखिए तो 3200 दिया हुआ है, 3200 का 3/4 इज इक्वल टू 2400, जो कि अप्रैल में ही शो होगा। बचा हुआ अमाउंट दैट इज 800 रुपीज, वो आपका मई में शो होगा। अब मई का है 3600, 3600 का 3/4 दैट इज 2700 मई में ही पे होगा। बचा हुआ अमाउंट दैट इज 900 रुपीज, वो आप अगले मंथ पे करेंगे। सिमिलरली जून का देखें तो जून का 4000 है, 4000 का 3/4 दैट इज इक्वल टू 3000 रुपीज मई में पे, सॉरी जून का है, जून में पे होगा। बचा हुआ 1000 कहाँ जाएगा? अगले साल, अगले महीने, दैट इज जुलाई में। तो जुलाई का हमको शो नहीं करना है, इसलिए हमने उसको शो नहीं किया है। तो अब आप टोटल करें तो ये फेब में आएगा आपका 2250, मार्च में 3000, अप्रैल में आएगा आपका 3150, मई में आपका आएगा 2700 + 800 = 1000 3500 रुपीज एंड लास्टली हमारे पास आएगा 3900, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वेजेस का अमाउंट, ये वेजेस आप यहाँ पे शो करेंगे 3150, 3500 एंड 3900, अप्रैल मई जून का आपको शो करना है।
चलिए अब हम वेजेस शो कर रहे हैं. वेजेस हमने वहाँ पे प्रिपेयर किया है, ये सेकेंड वर्किंग नोट आप बोल सकते हैं. कितना अमाउंट है? 3,150, 3,500 and 3,900 rupees. नेक्स्ट वेजेस के बाद क्या दिया हुआ है आपको? वेजेस के बाद बोला गया है ओवरहेड्स. ओवरहेड्स क्या बोला गया है? हाफ, मतलब इस पर्टिकुलर मंथ का हाफ इस मंथ में पे होगा और बाकी आप प्रीवियस का यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे. तो ओवरहेड्स का भी डिस्ट्रीब्यूशन हम देखते हैं. ये था वेजेस के लिए, ठीक है, सेकेंड वर्किंग नोट. और थर्ड आता है हमारा ओवरहेड्स. सेम आपको बनाना है जैसा हमने यहाँ पे प्रिपेयर किया है, मंथ, वेजेस, फेब, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून. फेब, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून. अमाउंट देख लीजिए, ये वेजेस नहीं है, यहाँ पे ओवरहेड्स है हमारे. ओवरहेड्स का आपको अमाउंट दिया हुआ है 1,700, 1,900, 2,000, 2,200 and 2,300. ठीक है, ये हमारे ओवरहेड्स हैं. अब ओवरहेड्स का जैसे फेब का है, तो फेब का जो है उसमें हाफ इस साल पेमेंट कर दीजिए, हाफ इस महीने पे कर दीजिए, आप अगले महीने पे कीजिएगा. मतलब 1,700 का अगर आप हाफ करें, दैट इज इक्वल टू 850 इसी मंथ में पे कर दीजिए, 850 अगले महीने में. सिमिलरली 1,900 का हाफ, दैट इज इक्वल टू 950 मार्च का है तो मार्च में ही, और अप्रैल में 2,000 अप्रैल का है तो अप्रैल में 1,000 मई में 1,000 2,200 फॉर मई तो 1,100 फॉर जून तो इसका हाफ कर दीजिए, दैट इज 1,150 जून में, और बचा हुआ जुलाई में. जुलाई का हमको शो नहीं करना है. नेक्स्ट आप इनको टोटल कर लीजिए, 850 + 950 दैट इज इक्वल टू 1,800, 1,950, 2,100 and 2,250. तो हमको ये तीनों अमाउंट्स को शो करना है, दैट इज 1,950, 2,100 and 2,250. ओवरहेड्स ये हमारा थर्ड से निकल रहा है, 1,950, 2,100 and 2,250. नेक्स्ट इसके बाद क्या दिया हुआ है? तो इसके बाद हमको प्लांट एंड मशीनरी का दिया हुआ है कि प्लांट एंड मशीनरी हम इंस्टॉल कर रहे हैं और मंथली इंस्टॉलमेंट आपका उसको पे करना है. आपको पे करना है कितना अमाउंट? 2,000 rupees अप्रैल से ही पे करना है. तो प्लांट एंड मशीनरी का इंस्टॉलमेंट हम पे कर रहे हैं 2,000 फ्रॉम अप्रैल, 2,000 and 2,000. नेक्स्ट इसके बाद आपको दिया हुआ है डिविडेंड. आपको पे करना है कितना? 5% ऑन 2,00,000. ये पे करेंगे आप जून में. तो डिविडेंड ऑन प्रेफरेंशियर्स, प्रेफरेंशियर्स कितने हैं? 2,00,000 है जिसका 5% आपको पे करना है, दैट इज इक्वल टू 10,000 rupees. और ये आपको जून में पेमेंट करना है, तो जून में आप ये अमाउंट को शो करेंगे. नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास सारे हमने अमाउंट्स को शो कर दिया है, तो लास्ट आपके पास बचता है कि आप टोटल कर लीजिए ये अमाउंट, दैट इज सी. सी का अगर आप टोटल करेंगे तो ये आपका आएगा यहाँ पे 16,700, 16,600 and lastly 27,350. अब आप क्या कीजिए, आपको क्लोजिंग बैलेंस निकालना है. तो क्लोजिंग बैलेंस निकालने के लिए हम करेंगे ओपनिंग बैलेंस प्लस रिसीट्स माइनस क्लोजिंग बैलेंस. तो ए प्लस बी माइनस सी कीजिए, तो ए का अमाउंट है 16,000 प्लस बी दैट इज 20,650. सॉरी, ये अमाउंट हमारा टोटल है, तो हमको क्या करना है, ये जो टोटल वाला अमाउंट है दैट इज टोटल ए प्लस बी, हमने माइनस करना है उसको सी से. तो 20,650 माइनस 16,700 दैट इज इक्वल टू 3,950. ठीक है, यहाँ पे हमने ये अमाउंट को ऐड कर लिया है. अब ये जो 3,950 इस साल इस महीने का क्लोजिंग बैलेंस है, वो अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस होगा. तो 3,950 हमने यहाँ ले लिया, 3,950 प्लस 1,700 प्लस 13,950 दैट इज इक्वल टू 19,600. 19,600 माइनस 16,600 इज इक्वल टू 3,000. ये 3,000 अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस होगा. अब इसको टोटल कर लीजिए, तो ये अमाउंट आपका आएगा 29,650 माइनस 27,350 दैट इज इक्वल टू 2,000
300 rupees। तो इसी के साथ हमने कैश बजट प्रिपेयर कर लिया। कैश बजट अभी तक के बजट में ज़्यादा लेंथी था पर टफ नहीं था, इजी था, हमको सारी चीज़ें समझनी है और उसको रिकॉर्ड करनी है, ठीक है। अब इसके आगे के जो हमारे पास बजट्स हैं उसको हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास हम यही एंड करते हैं। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन टू गेट मोर अपडेट्स। सो दैट्स इट, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।